देखिए आज हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। केवल और केवल हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। थोड़ा आप खुद भी रिवाइज करके आना क्योंकि अभी सारा कुछ भी नहीं हो पाएगा इस एक क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें 2.1 टू 2.8 या 9 जहां तक ये टॉपिक्स हैं वही हम धीरे धीरे देख रहे हैं। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन में इन्होंने कुछ वर्क डन रिलेटेड बातें बताई, कुछ इस तरह की बातें बता रखी कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने में हमेशा एक कॉन्स्टेंट को आप ऐड कर सकते हो। ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये चीजें मैं पहले यहाँ से बता चुका हूँ कि ये कोई अल्फा अल्फा इन्होंने ऐड किया तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इस पे आप जाओगे खुद जाओगे, मैं सीधा इस पे आ रहा हूँ टॉपिक 2.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे होंगे। पहली बात अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करूं किसी एक जगह के पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, सिंबल इसका वी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं इस जगह का पोटेंशियल क्या मीनिंग है इस बात का, इसका मतलब ये होता है कि वहां रखे किसी यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बस इतना है मतलब। पोटेंशियल एट अ पॉइंट मींस कि उस जगह कोई यूनिट चार्ज रखा हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसी को क्या बोलते हैं उस जगह का पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब आ गया समझ, ठीक है। लेकिन इसको वर्क की टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करें। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है आप एक जीरो लेवल मानो, नॉर्मली हम जीरो लेवल वहां मानते हैं जहां इन स्टैटिक सोर्स चार्जेस का कोई असर ना हो, उस जगह को हम जीरो लेवल बोलते हैं और वो इंफिनिटी पे। तो नॉर्मली इंफिनिटी चूजन है जीरो लेवल। आपने अगर इंफिनिटी को जीरो लेवल माना है और मैं कहूं कि क्यों चार्ज की यहां एनर्जी कितनी है तो इसका मतलब इतना सा होता है इन्फिनिटी से यहां तक स्लोली लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कितना वर्क करना पड़ा, या बाई एक्सटर्नल फोर्स स्लोली लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, उसी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट चार्ज की चाहिए तो आप किसी क्यू को नहीं, किसको उठा के लाओ, एक कूलम्ब चार्ज को। अगर क्यू को उठा के लाए हो तो उस वर्क को क्यू से डिवाइड कर दो, वो एक का है। तो जब पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है एट पॉइंट पी, पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है एट पॉइंट पी, और उसके तीन चार तरीके हमने पढ़े थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से कहां, जीरो लेवल जहां माना है इंफिनिटी से पी डिवाइडेड बाय क्यू। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए अगर आप एक्सटर्नल का वर्क निकाल रहे हो तो उसमें कंडीशन है कि डेल्टा के इक्वल टू जीरो, कि आप जिस भी चार्ज को लेके आ रहे हो उसको धीरे धीरे लेके आना है, स्लोली लेके आना है, समझ आ रहे, ठीक है। देखो डेफिनेशन इतनी सी है कि वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब वर्क डन अगेंस्ट फोर्स कैसे निकलता है, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकाल दो लेकिन कंडीशन क्या लगा दो, स्लोली निकले, या फिर दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंफिनिटी टू पी यूनिट चार्ज को। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क आपके लाने के तरीके पर डिपेंड नहीं करता, आप स्लोली लाएं चाहे उसे तेजी से लाएं तो इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन ये उसके बराबर तब होगा जब आपने ये कंडीशन लगा दी, क्यों, इसका क्या रीजन है, वर्क एनर्जी चार्ज, हाँ वहीं से आता है, ठीक है। अच्छा दो और तरीके से जैसे आप इसको डिफाइन कर पाते हैं, दो और तरीकों से जिस तरीके से आप इसको डिफाइन कर पाते हो वो क्या तरीके हैं। पहला तरीका आप इंफिनिटी टू पी की जगह क्या कर दो, पी टू इंफिनिटी, डब्ल्यू एक्सटर्नल पी टू इंफिनिटी विद द कंडीशन डेल्टा के इक्वल टू जीरो। अगर उल्टा करोगे तो एक माइनस बाहर आएगा, यहां पे क्या करना है, यहां पे अगेन वही एक माइनस बाहर लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल पी टू इंफिनिटी और डिवाइडेड बाई क्यू। क्लियर है, क्लियर हो गया यहां तक। ये चार आपकी डेफिनेशन है जो किसी भी जगह किसी भी स्टैटिक चार्जेस के पोटेंशियल को निकालने में काम है, ठीक है। अच्छा कल जैसे आपका टेस्ट होगा, ऑप्शन है आपके पास, आप अगर यूं करवाना चाहो कि पहले आधे घंटे या 45 मिनट इसी चैप्टर को आपके डाउट हो या फिर मैं अपनी तरफ से कुछ और आप इसमें पूछना चाहो करवा सकते हो, उसके बाद टेस्ट या पहले टेस्ट फिर डिस्कस।
अगर कुछ कुछ आएगा तभी तो कुछ करेंगे ना। नहीं आपकी मर्जी है, देखो मैं तो आपको दोनों ऑप्शंस दे रहा हूँ, मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये हर टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। ये इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पोटेंशियल कई दिन पहले हुआ था। तो कल जब आप इसकी रिवीजन अगर थोड़ा घर से पढ़ के आओ, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ और चीजें होंगी यहाँ क्लास में लेंगे। लेकिन आप ऐसा करेंगे एनसीईआरटी बुक एक बच्चा अपनी लेके, अब तो कम से कम उसको रंगीन बना दो, कहाँ क्या है क्या नहीं है, इस तरह के पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे टेस्ट हम लेके चलेंगे कंटिन्यूस पार्ट फर्स्ट में, उसके बाद एक 70 मार्क्स का टेस्ट होगा किसी संडे को, उसमें कंप्लीट पार्ट फर्स्ट आएगा, एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट इस तरह से, ठीक है। चलिए ये आपका पोटेंशियल की डेफिनेशन हुई, यहाँ से यूनिट हमें पता लगी रही है जूल पर कूलम्ब, और उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। जूल पर कूलम्ब इज नोन एज वोल्ट, उसी को हम वोल्ट बोल दिया करते हैं। चले भी आगे देखें, अच्छा इसके बाद सुनो, अगला टॉपिक जो आपका है बुक में वो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जब आप बोलते हैं कि भाई ये एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, आपसे बोला जाए कि इसका पोटेंशियल ड्राइव कीजिए किसी भी आर्ट सेंसर कितना होगी, आप डिराइव कीजिए कैसे करें, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए इसकी वजह से, कैसे करें, इन्फिनिटी मान लिया, मान लिया मैंने ये लो इन्फिनिटी मान लिया, इसके बाद मान लिया कहीं भी इन्फिनिटी, इसके बाद इन्फिनिटी से धीरे धीरे ये कैसे है घूमता फिरता, उसका हमें क्या मतलब, इन्फिनिटी से धीरे धीरे हम इसको लेके ऐसे ही मान लिया, इन्फिनिटी तो कहीं भी हो सकती है, हम इसको कहीं से धीरे धीरे लेके आए, स्लोली लाने में एक्सटर्नल फोर्स ने तो वर्क किया होगा, ये इलेक्ट्रिकल ने वर्क किया उसका नेगेटिव, वही क्या होगा इस जगह का पोटेंशियल, क्यों को लेके आ जाओ, क्यों को लेके आ जाओ उसको बाद में क्यों से डिवाइड कर दो वर्क को। तो हम पाथ ऐसा ही क्यों चूज करते हैं, जैसे इसमें तो बड़ा हमें इजी लगता है, बड़ा इजी लगता है इसमें, तो पता नहीं इसमें भी इजी लगता है कि नहीं, लेकिन लगना चाहिए इसमें। तो इन्फिनिटी से आप लेके चले, किसको लेके चले, कोई भी टेस्ट चार्ज क्यों, पहले मैं उस पर आ रहा, आप उस रास्ते आ रहे हैं, ठीक है, हटाओ इस टेढ़े-मेढ़े रास्ते को, और मुझे तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, मुझे इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए कितना होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल जो आप रास्ता लेके चलते हो जिससे आप प्रूफ याद रखते हो कई बार, वो तो ये है कि आप इंफिनिटी से लेके चले, बीच में कहीं आए, मान लो इस वक्त ये दूरी कितनी है x, ठीक है, जब ये चार्ज यहां है स्लोली ले जाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, पहले तो यूं देखो इस वक्त इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लग रहा है, ये लगा रहे हैं किधर लगा रहे हैं, उस साइड कितना लगा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, कितना लग रहा है के, वो हमारा लोकल के मतलब 1/4 pi epsilon के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नहीं भाई एक्स स्क्वायर। तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अब सुनो इसलिए फोर्स उधर नहीं लगाना पड़ रहा कि उधर ले जा रहे हैं, पहले भी पढ़ाया होगा, केवल इसलिए कि एक्सेलरेशन कितनी रहे जीरो, नेट फोर्स कितना रहे जीरो, तो जिधर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि आपने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये कौन सा फोर्स है एफ एक्सटर्नल, आप स्लोली इसको धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन होनी चाहिए जीरो, इसका मतलब एफ नेट जीरो, तो मतलब एफ एक्सटर्नल भी किसके बराबर हो गया एफ इलेक्ट्रिकल, तो जो एफ एक्सटर्नल होगा एफ एक्सटर्नल वो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये बताओ इसमें देख के बताओ, वैसे बता दो ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, अरे इनसे क्यों पूछ रहे हो, इधर बताओ ना,
ये वेरिएबल है कि कॉन्स्टेंट है? आप बताओ चलो, है वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट है? मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ बोलो। वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक्स आ रहा है और एक्स धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है। ये जो फोर्स है ये वेरिएबल, ठीक है। अगर ये फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स का वर्क कभी एफ डॉट एस से नहीं आता बल्कि इंटीग्रल एफ डॉट डीएस करता हूं। तो चलो भाई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और करते हैं, कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लेके चले इसमें। इधर मान लो मैं उसे डीएस ही लिखू, डीएल लिखते वैसे अक्सर एस तो ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया के लिए ले लेते हैं, तो डीएल हो जाए। तो आप ये बताओ ये दूरी x प्लस डी एक्स की x माइनस डी एक्स, याद है? याद है ये बात? ये डिस्टेंस भी क्या लिखी जाएगी? x प्लस डी एक्स। फिर छोटा है ये, तो ये x प्लस डी एक्स क्यों बोल रहे हैं सर? बताओ चलो आपसे एक मिनट, ये बताओ x x तो बड़ा है और ये नीचे छोटा है, x माइनस डी एक्स नहीं लिखना चाहिए? आगे तो नहीं जा रहा है, ये देखो ना इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, इधर देखो एक मिनट, ये x है, ये थोड़ा सा चल गया है, तो अगली दूरी x माइनस डी एक्स लिखनी चाहिए कि x प्लस? x माइनस, वही समझो भाई हम लोग, आप बताओ माइनस होना चाहिए। अश्विनी क्यों? हाँ किसी भी चीज में वेरिएशन हो, किसी भी चीज में वेरिएशन, t है तो हमेशा टाइम t प्लस dt, x है x प्लस डी एक्स, क्यू है क्यू प्लस डी क्यू, अगर वो चीज कम हो रही है तो चेंज नेगेटिव होगा और वो चीज बढ़ रही है तो चेंज पॉजिटिव। फिलहाल x प्लस डी एक्स छोटा है x से, इसका मतलब डी एक्स जो है वो नेगेटिव, लेकिन लिखना यही है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी कर दोगे सारी। इसका मतलब मोड ऑफ डीएल अगर आप लिखें, मोड ऑफ डीएल तो डी एक्स होगा कि माइनस डी एक्स? dx, अरे dx तो नेगेटिव है, क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? देखो मोड ऑफ dl है, इसमें से ये घटाओ, ये कितना है x, ये कितना है x plus dx, x में से x plus dx घटाओगे क्या बचेगा? माइनस dx। अब फिर बताओ ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे आ गया? क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? फिर ये कैसे आ गया माइनस? इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, ये नेगेटिव नहीं आया, माइनस लग के ये पूरा क्या बन गया? पॉजिटिव, क्योंकि dx खुद क्या है? नेगेटिव, तो उसके एक और माइनस लगा तो ये क्या हो गया? पता नहीं, मैं हर बार बता देता हूँ ये बात और अगली बार फिर दोबारा बतानी पड़ती, क्या ये है ना दिमाग में? हाँ जी भाई दिमाग में है ये चीजें, ठीक है। अब सुनो आगे सुनो, इसके बाद अब मैं निकालू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल, यही होता है। जब आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड, एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इनटू डीएल का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है कि साइन? कोस। अब फिर से एक बार डायग्राम देख के बताओ कि f एक्सटर्नल और dl वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? f एक्सटर्नल उधर है, dl भी उधर है, तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, पॉइंट t है मैं नीचे लिखता हूं, अब मैं अगर इसमें वैल्यूज पुट करूं, मोड ऑफ f एक्सटर्नल कितना है? k कैपिटल q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। मोड ऑफ dl कितना है? माइनस डी एक्स। मोड ऑफ डीएल है माइनस डी एक्स और कोस जीरो वन। अब लगवा दो एक्स की लिमिट, अरे इनिशियल लिमिट कितनी? इनिशियल इनफिनिटी, शुरू में बहुत दूर से आया था एक्स इंटर, फाइनल लिमिट यहां तक आ रहे हैं ना, यहां आते आते एक्स घटते घटते कितना हो जाएगा? आर। समझ आ रहा है कि नहीं? इनिशियल लिमिट है इंफिनिटी और फाइनल लिमिट है इसकी आर, तो जो लिमिट लगेगी वो इंफिनिटी से आर लगेगी। अब तो आगे तो बस इंटीग्रेशन है छोटा सा, इसी वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं,
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर आया, एक माइनस बाहर आया, और ये अंदर बचा एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, और लिमिट इन्फिनिटी से लेके कहां तक, आर तक, लिमिट इन्फिनिटी से लेके आर तक, समझ आ गया है। एक्स की पावर माइनस टू का क्या होगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस वन अपॉन इस माइनस से बाहर वाला माइनस कैंसिल, और ये एक्स की पावर माइनस वन क्या होता है, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स में जब आप लिमिट पुट करोगे तो वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी, वन बाई इंफिनिटी जीरो, तो ओनली क्या बचा, वन बाई आर बचने का मतलब है कि ये आपका आया प्लस के साथ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, आ गया यहां तक समझ, ठीक है। उसके बाद अगली चीज पोटेंशियल क्या होगा, इसको स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दो, स्मॉल क्यू को लाने का वर्क कितना, तो यूनिट चार्ज को लाने का वर्क कितना होगा, डिवाइड बाय क्यू, इसका मतलब आप पोटेंशियल एट पी लिख रहे थे वो डब्ल्यू बाई क्यू करेंगे तो आएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर, और अगर मैं के की वैल्यू पुट करूं तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। आगे अब यू बताओ इस फॉर्मूले में चार्ज को विद साइन पुट करना होता है विदाउट साइन, पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर, क्योंकि इसमें वर्क आ रहा है, वर्क एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटीज के फॉर्मूले में चार्ज को विद साइन पुट करना होता है विदाउट साइन, याद है ना ये चीजें सभी को, कईयों के दिमाग में रहते वेक्टर में तो विद साइन पुट करेंगे, स्केलर में विदाउट साइन, ऐसा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में तो विद साइन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो विदाउट साइन। अगर इसका ग्राफ पूछा जाए आपसे तो डिपेंड करता है कि q पॉजिटिव है या फिर q नेगेटिव है, अगर q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर q नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, पॉजिटिव में तो ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा होगा और नेगेटिव में ऐसा जाएगा। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला ग्राफ आया था तो आपकी बुक में दिया भी है कि एक ही ग्राफ में बी और ई का कंपेयर करके देखो, बता रखा है हमने शायद पहले भी आपको बुक में दिखा भी रखा है, आप देख लेना बी और ई का कंपेरिजन, आपको समझ आना चाहिए ई का फॉर्मूला वन बाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलता है तो तेजी से डिक्रीज होगा, और बी का फॉर्मूला वन बाई आर के अकॉर्डिंग चलता है थोड़ा धीरे डिक्रीज होगा। पहले तो ये बताओ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिखना आ गया हमें, ठीक है। क्या अब मान लो आपसे ये पूछा जाए देखिए, सपोज आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया वन कूलम्ब, ये पॉइंट दे दिया वन मीटर डिस्टेंस पे, इज इट पॉसिबल दैट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी जीरो, और कोई चार्ज नहीं रखा आसपास, और कोई चार्ज रखा नहीं आसपास, इज इट पॉसिबल दैट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी जीरो, नो अदर चार्ज इज अवेलेबल, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या ये पॉसिबल है कि यहां का पोटेंशियल जीरो हो, आंसर है यस। आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ क्यू बाई आर, तो 11 ही ले लिए, इतने वोल्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब है जब आप पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना मान रहे हैं, जीरो लेवल तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं कहीं भी, मान लो मैं इसी पॉइंट को क्या बोल दूं, जीरो लेवल, इसको जीरो लेवल बोलने के लिए जितना है उतना घटाना पड़ेगा, उतना हर जगह से घटाना पड़ेगा, तो अगर आपने इस पॉइंट को जीरो लेवल बोल दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, लेकिन ऐसा करने पे इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो नहीं रहेगा, माइनस 9 × 10⁻⁹, समझ आए ना, ये जीरो लेवल चेंज होने पे कोई भी सवाल आ सकता है,
कुछ नहीं दिया हो तो जीरो लेवल इन्फिनिटी पे मानो, परंतु सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझिए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर वो इस तरह की कोई बात रख रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, तो आपके दिमाग में है कि हाँ जीरो लेवल हम चेंज कर सकते हैं। समझ आ गया नहीं? यहाँ का पोटेंशियल जीरो कह सकते हैं आप, लेकिन तब इन्फिनिटी का ये हो जाएगा। क्या जीरो लेवल चेंज करने वाली बात क्लियर हुई? आगे एक सवाल था कि इसी चैप्टर में मैंने करवाए हूं शायद पहले, एटम से भी वो रिलेट होता है वो क्वेश्चन, कि एच एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, करवाया था पहले या नहीं करवाया? करवा दिए थे, तो अपने रिवाइज कर गया ना भाई। 18 और 19 ये कब की कॉपी है? अभी ये जो रिसेंट रिवीजन हुआ था उसी उसमें हो रखे नहीं वाला करवा, ठीक है भाई अपना रिवाइज करके आना। आप देखो मैं आपको एक तो बता देता हूँ टॉपिक नंबर कहां से कहां बताए, 2.8 है ना, 2.9 तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर चला गया तो कैपेसिटेंस के साथ। एक्सरसाइज में भी शायद कभी बताया सवाल मुझे याद नहीं है, एक से चार देखो एक बार, एक से चार थे, पांचवे में शायद कैपेसिटेंस आ गया था, फिर एडिशनल स्टार्ट हो जाओ। एडिशनल कितने में स्टार्ट हो जाए? 12 से बता नहीं, 22 था कहां तक था, 12 से देखो 22 है कि कौन सा है क्वेश्चन नंबर 34। और देखो एक बात बताओ, आपकी बुक में 37 सवाल है कि 36 सवाल है? किसी की बुक में 36 है? है क्या 36 है ना आपकी बुक में? नई बुक में एक टॉपिक और एक सवाल हटा दिया गया क्योंकि उस सिलेबस में है ही नहीं, हम कई साल से आपका एक मे बी सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो या थर्ड लास्ट हो, वेंडिंग का आपका एक क्वेश्चन देखो कौन सा है, 35 वो हटा दो, उसको काट दो, वो अब किसी भी तरह से सिलेबस में नहीं है पिछले कुछ सालों से। और देखो बुक के अंदर लास्ट टॉपिक होगा शायद वेंडिंग ग्राफ जनरेटर, इसमें है क्या नई किताब है देखना अंदर टॉपिक क्या लास्ट टॉपिक वेंडिंग ग्राफ जनरेटर है? नहीं है इनका वेंडिंग ग्राफ जनरेटर, तो ये टॉपिक हट चुका है, वो क्वेश्चन भी हट चुका है, ठीक है। कल जब आप आएंगे तो ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे ये तो अपने सारे ट्राई करके आओगे, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए अब भी इनमें नंबर नहीं आ रहे, 20-20 की लाइन लगी होनी चाहिए, लास्ट पे 15 तक जाओ, इससे नीचे नहीं, ठीक है। और थोड़ा रेगुलरली ही लेंगे अगले टेस्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बाद आता है ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, शायद अगला टॉपिक हो मे बी इस तरह का, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज है, डाइपोल ही आ गया इसका, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज जो होता है डाइपोल भी उसी का एक पार्ट है, है ना सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। यू बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है स्टैटिक चार्जेस का फील्ड हो, क्या उसमें ऐसा पॉसिबल है कि किसी जगह फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो लेकिन पोटेंशियल नॉन जीरो हो? कोई एग्जांपल? डाइपोल का इक्वेटोरियल, डाइपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उस पर फील्ड इंटेंसिटी तो नॉन जीरो होती है माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, लेकिन उस पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, दोनों की वजह से कैंसिल होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी जगह उल्टा काम हो, फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो और पोटेंशियल नॉन जीरो? कोई एग्जांपल? क्या ऐसा पॉसिबल है किसी जगह फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो और पोटेंशियल नॉन जीरो? कंडक्टर के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कितनी होती है? जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो कांस्टेंट हो। समझ गए ना? ये दो एग्जांपल तो ऐसे याद रखो, एक डाइपोल और एक कंडक्टर। और यू तो आप पॉइंट चार्ज के तो कभी भी बना सकते हो, देखो पॉइंट चार्ज के बनाने तो बहुत आसान है, आप दो चार्ज रख दो एक क्यू और एक क्यू, एटॉमिक पॉइंट फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दोनों का फील्ड कैंसिल हो रहा होगा, फील्ड इंटेंसिटी कितनी? जीरो। एट द मिड पॉइंट पोटेंशियल कैंसिल नहीं होगा, इसका भी केक्यू वही r/2, इसका भी केक्यू वही r/2, तो पोटेंशियल नॉन जीरो हो गया और फील्ड
जीरो। और अगर मैं ये कर दूं तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का कैंसिल हो जाएगा लेकिन फील्ड नॉन जीरो, दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेगा। समझ गए हो ना, ये छोटे छोटे सवाल कोई भी बन के आ सकते हैं। अच्छा, उस चीज को मैं दोबारा नहीं लेके आ रहा हूँ, आपके पेपर में ही पूछ लेंगे आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ये प्रूव करना, एक्सप्लेन करना। बताया था पाथ वाला कि पाथ इंडिपेंडेंट यूं ही आ जाए कि शो दैट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। करवाया तो था थोड़े दिन पहले, हाँ, थीटा गैप और आर गैप। आपकी बुक में एक शॉर्ट एग्जांपल के नीचे वो लाइनें लिखी थी जहां बताया था कि कैसे करना है, करवाया था ना उसमें। तो ये अपने रिवाइज करके आना कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, ये हम कैसे प्रूव करें आर कैप और थीटा कैप में। और ये चीज आपकी बुक में एक सोल्ड एग्जांपल के नीचे मेंशन है कि कैसे करना है, मैंने वो क्लास में करवा के दिखा दिया था, अभी उस पर मैं नहीं चल रहा हूँ, है ना, इतना ही टाइम है, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आए आपको अगर घर से तो कल भी क्लास में पहले पूछ लेना था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा आते हैं रिलेशन पे। मुझे लगता है ये भी बहुत ढंग से ही करवा दिया था, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी सिखा दिया आपको। मैं जस्ट आपसे पूछ लेता हूँ, E और B में जो रिलेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती है dV is equal to minus E dot dr, dV is equal to minus E dot dr, याद की है ना हमने, ये minus sign by convention आ गया लेकिन अब उसको छोड़ना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, ये आ गया by convention लेकिन आपको नहीं हटाना उसे, dV equal to minus E dot dr। अगर E का expression दे रखा हो V निकालना होगा तो E का expression दे रखा है, dr को आप लिख लेते हैं dx i cap dy j cap dz k cap, डॉट प्रोडक्ट करके माइनस लेके और उसका इंटीग्रेशन। उसमें एक और चीज सिखाई होगी आपको, कई बार क्या होता है x के साथ y आ जाते हैं, y के साथ x, तो एक परफेक्ट डिफरेंशियल पढ़ाए थे, पढ़ा दिए ना वो, तो परफेक्ट डिफरेंशियल का भी यूज करना आना चाहिए। कितने बच्चों को थोड़ा मतलब नाम ही याद आ रहा है कि हमें परफेक्ट डिफरेंशियल जैसी कोई चीज आई थी, ये तो नाम याद नहीं आ रहा है, आप ही कहां कर रहे हो, नहीं भाई करवाया था, और इधर अरे तो यार थोड़ा रिवीजन करोगे तभी तो कल टेस्ट फिर अच्छा दे पाओगे। दोबारा बताऊं क्या है, क्या था परफेक्ट डिफरेंशियल, आप नहीं आते थे क्यों, अभी तो रिवाइज होते आप क्या क्या पोटेंशियल नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ फिर तो आपको वो भी नहीं आता होगा पाथ इंडिपेंडेंट ही कैसे करो भाई, मदद दिन की ठीक है, मतलब थोड़ा इनसे हेल्प ले लो जो नोट से, नहीं तो फिर मैं कल आपको पहले करवा दूंगा। देखिए एक एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल वाला एग्जांपल स्टैंडर्ड एग्जांपल जो अक्सर आ भी जाए सवाल, आपको यूं दिया हो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है E और वो है y i कैप प्लस x j कैप इन अ रीजन, किसी भी इलाके में एक्स वाई जेड पे, बस उसकी ये वैल्यू जेड को डिपेंड नहीं करता। आपको ये बताना है इस फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है, फाइंड पोटेंशियल एट 110 माइनस पोटेंशियल एट 220, ये पूछ लिया आपसे। इस फील्ड के अंदर इस इलाके में ये दो पॉइंट 110 एंड 220, तो आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। तो सबसे पहली बात वी ए माइनस वी बी, इसका फॉर्मूला होता है W एक्सटर्नल पे मैं जाऊं, अगर ये नहीं होता तो इंफिनिटी टू ए होता, और अगर ये है तो बी टू ए, बी टू ए विद द कंडीशन स्लोली डिवाइडेड बाय Q। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पे जाऊं W इलेक्ट्रिकल माइनस कहां से कहां V2A, कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल का जो वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल का वर्क वो आपका होगा माइनस F इलेक्ट्रिकल डॉट dr का माइनस, वैसे ही चल रहा है माइनस, वैसे ही चल रहा है और कुछ नहीं है, मैंने जब जब कोई टेस्ट दिया ना कभी पहले, अब नहीं कभी बहुत पहले, इस माइनस ने बहुत बार मैं बता रहा हूँ कि मतलब नेगेटिव मार्किंग करवाई, कई बार मैंने मिस्टेक की, कई बार ये जो कॉमन सी मिस्टेक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
मतलब जब भी कभी जैसे आपके टाइम पे इस तरह से जब भी कभी टेस्ट किए dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, इस माइनस पे ध्यान ही नहीं दिया और उस वजह से सीधा नेगेटिव में चला जाता। एक बार एक कॉमन सी मिस्टेक की हुई, आप पढ़ेंगे आगे, एक बार पेपर हम दे रहे थे आईआईटी का ही, उसमें सवाल आ गया था कि एक क्यूब है, क्यूब है उसके आठों कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज है। पूछा था स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द सिस्टम। वर्क रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल मतलब उसको तोड़ने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या करना था उसमें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के और उसका नेगेटिव करना था। ये हम पढ़ते हैं, मैंने भी वही किया था, एक गलती होगी वहां पे। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे आर आता है कि आर स्क्वायर आता है, मैं हर जगह आर स्क्वायर लिखता रहा, वो इतना सॉल्व ही किया और उसके अकॉर्डिंग एक आंसर निकाल ले। तो ये इस तरह की मिस्टेक्स ना करें, ठीक है, ये मिस्टेक्स ना करें, ये फालतू में आते आते सवाल गलत हो जाता है, इस तरह की गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस है तो लेके चलना है साथ। अच्छा कहां से कहां, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहां से कहां, बी टू ए, तो बी टू ए जाना। अब देखो एफ इलेक्ट्रिकल होता है क्यू इंटू ई, एफ इलेक्ट्रिकल होता है क्यू इंटू ई, और क्यू तो बाहर आ जाएगा तो क्यू से क्यू कैंसिल भी हो। देखो आप जिस क्यू को लेके जा रहे हो उसी से तो डिवाइड कर रहे हैं, और इस फील्ड में जब उसको लेके जा रहे हैं तो उस पर जो फोर्स बनेगा बनेगा क्यू इंटू ई, यानी कि क्यू इंटू दिस थिंग, जब इसको पुट करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा ओनली माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। और कहां से कहां, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहां कहां जाएगा, बी टू ए, क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखो ये ई डॉट डी आर कैसे करना है, इसी में दिक्कत आ जाती है एक बार। ई वेक्टर पहले भी मैंने इसी में एग्जांपल लिया होगा, वाई आई कैप प्लस एक्स आई कैप, डी आर वेक्टर जो होता है वो डीएल भी बोलो उसे, इन जनरल वो लिखना होता है dx i cap plus dy j cap plus dz k cap, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ है, क्योंकि ऊपर यहाँ 0 k cap है, तो यहाँ से आप लिख दो dz k cap, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले करो e dot dr, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट e dot dr क्या बनेगा बताओ, y dx plus x dy। अब दिक्कत यहां आती है जब आप उसमें पुट करेंगे, जब आप उसमें पुट करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन कैसे करूंगे, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल होंगे, यहां y उसके साथ x और यहां x और उसके साथ y, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ऐसे तो कुछ होता नहीं यहां पार्शियल इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये एक तरीका तो ये होता है कि या तो मुझे इक्वेशन हम पाथ बता रखे, भाई मैं इस रास्ते लेके गए लेकिन पाथ इंडिपेंडेंट है ये वर्क, तो अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, क्या तरीका है, फिर उससे क्या होगा, ये तो फिर और ही कुछ बन गया, वाई को कॉन्स्टेंट मान के एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो वाई है। हाँ पहले हम चेक करेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करना है, अगर आप अटक जाओ, कितने बच्चों को ये इंटीग्रेशन सोल्व करना नहीं आता, एक बार बताओ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ कईयों को नहीं आता, नौ, अरे क्या पोटेंशियल के समय आप नहीं आ रहे क्या, नहीं तो पोटेंशियल तो मैंने अभी तो पढ़ाया होगा, इतने पहले तो पढ़ाया ही नहीं था सर। चलो कोई नहीं, अभी देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे बनाया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। ये आपका एक्सप्रेशन है, मैथ्स का एक पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है 12th तक मैथ्स में ये टेक्निक इंटीग्रेशन की नहीं आती, आती है क्या मैथ्स में, नहीं आती 12th तक। तो देखो ये जो आपका बना इंटीग्रल y dx plus x dy, आप एक बार दो अलग अलग इंटीग्रेशन सोल्व करो, आप एक बार दो अलग अलग इंटीग्रेशन सोल्व करो, इंटीग्रल y dx अगर आप सोल्व करते हो, y को कॉन्स्टेंट मान लो, केवल x को वेरिएबल, y को कांस्टेंट मानो तो इंटीग्रल dx क्या होगा, x, ठीक। इसमें क्या करो, x को कांस्टेंट मानो केवल y को वेरिएबल, क्या आया, क्या सेम आ गए, क्या सेम आ गए, अगर सेम आ गए तो दिस इज द परफेक्ट डिफरेंशियल, ये जो है ना आपका y dx
plus x dy, it can be written as complete d of xy. It can be written as complete d of xy. समझ आ गया? और इसको अगर आप as it is यहाँ put कर दें, means इसके अंदर, हाँ ये जो भी बनाए e dot dr, इसके अंदर आप put करें तो integral e dot dr अलग अलग मत लिखो, इनको ऐसे ही लिख लो, अलग अलग मत लिखो, इनको ऐसे लिख लो, integral of d of xy, और ये तो बड़ा आसान होता है इंटीग्रेशन, कितना xy, और साथ में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसको c बोलो, v नॉट बोलो, कुछ बोलो, वो पोटेंशियल का एक पार्ट है, तो आपका इसका एक्सप्रेशन आ गया, ना 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 ना, हमें यहाँ c ऐड नहीं करना, यहाँ लिमिट है, यहाँ लिमिट है हमारे पास, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो आपको सी एड करना होता है, जब लिमिट होती है तो कोई कॉन्स्टेंट एड नहीं करना होता है, तो मेरे पास आगे कहां से चला हुआ था e dot dr, मुझे क्या चाहिए va माइनस vb, यही चल रहा था, देखो ये रहा, ये बढ़ रहा है इधर, तो अब आपका va माइनस vb आया, आपने वो इंटीग्रेशन सोल्व किया, इंटीग्रल d of xy सीधा क्या होगा, xy ऐसे माइनस भी है, माइनस ऑफ xy, ठीक है, अब इसमें लिमिट्स कहां से कहां लेके आ जाओ, b से a, b पॉइंट कौन सा है, बाद वाला कौन है, 220 और ये 110, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, x की जगह 1, y की जगह 1, अपर लिमिट z है 1 into 1 1, माइनस तो बाहर पड़ा रहने दो, माइनस 2 into 2, तो माइनस 3 और 1 माइनस बाहर है, तो आंसर क्या आ गया, प्लस 3, 4, ये वो सवाल है जिसमें परफेक्ट डिफरेंशियल का यूज होता है, ठीक है, कि आप अगर आपको ई का एक्सप्रेशन दे रखा उससे वी कैसे निकालना, अच्छा कई बार ऐसा होता है इनकी दिक्कत ही नहीं आती, यहाँ डी एक्स के साथ एक्स की टर्म है और डी वाई के साथ वाई की टर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आसानी से यही सॉल्व हो ही जाएगा, समझ आ गया, लेकिन अगर आपको वी दे रखा उससे ई कैसे निकालना, ये बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर v दे रखा और उससे e निकालना हो, v में x y z कोई भी हो सकता है, e का x कंपोनेंट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विद माइनस साइन, माइनस कर्ल v बाय कर्ल x, e का y कंपोनेंट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y विद सम माइनस साइन, और ऐसे ही e z होगा माइनस कर्ल v बाय कर्ल z, करवाए थे यार शायद ये वाले पार्ट में, है ना, हो जाएगा, ये आपका हुआ रिलेशन वाला पार्ट, उस रिलेशन में ना वहां पे उसी साइड पेज पे जहां भी है वो नीचे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, एक बार देख लेना, वो जाहिर टॉपिक है ना रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, बता रखे उसी पे पॉइंट्स, हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, और इस तरह से जैसे डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होती है जिस पे पोटेंशियल हर जगह सेम हो, तो चेंज इन वी कितना होगा, जीरो, डीवी जीरो, तो माइनस ई डॉट डी आर जीरो, यानी कि ई और डी आर क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि आप इधर चल के गए तो ई परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रहेगा ये पॉइंट, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है कि डिक्रीज, कारण उसका भी सुनो, जिधर ई है आप उधर ही जा रहे हो, तो ई और डी आर सेम डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी आर पॉजिटिव, तो माइनस ई डॉट डी आर नेगेटिव, डीवी नेगेटिव का मतलब चेंज इन वी नेगेटिव, मतलब फाइनल पोटेंशियल कम हुआ और इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा, इस चीज को ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताओ पॉजिटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी होती है, हाई टू लो पोटेंशियल जाने की या लो टू हाई, हाई टू लो, क्यों, क्योंकि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है हाई टू लो, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अगर पोटेंशियल उधर डिक्रीज हो रहा है, फील्ड उधर है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, तो उधर भाग लेगा, और नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी किधर जाने की है, अपोजिट, इन्हीं में आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को या एक प्रोटॉन को आप एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट कराते हो, तो जितनी एनर्जी वो गेन करता है उसी को क्या बोलते हैं, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, ये सारा कुछ है आपकी किताबों में, इन्हीं में एनसीईआरटी बुक में सब कुछ ही दिया हुआ है। अच्छा, एक जो इसमें फिर मैं आगे आता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी वाले दो तीन टॉपिक, दो तीन कौन कौन से, एक मैंने छोड़ दिया होगी इसमें डाइपोल का पोटेंशियल, कर लोगे वो, कर लोगे ना यार, देखो किसी को आप पहले रिवाइज करके आओ, कोई डाउट आए कल, मैं कह रहा हूँ हमारा टाइम है 6:15 से 8, ठीक है, जिसमें 45 मिनट पढ़ने के और 1 घंटा टेस्ट का है। अब वो 45 मिनट आप आने के बाद डिसाइड करो, आपको पहले पढ़ना हो पहले पढ़ लेना, पहले टेस्ट दे लेना, तो फिर बाद में उसका डिस्कशन हो जाएगा, मर्जी है, लेकिन सभी बच्चे पहुंच तो जाए उस टाइम पे 6:15 बजे। ठीक है, इस तरह से हम लेके चलेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी में ऐसे दो तीन टॉपिक कौन से, एक तो है दो आइसोलेटेड नहीं हो सकते, 2 पॉइंट चार्ज, बाहर का कोई फील्ड नहीं, आपस की इंटरेक्शन है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आता है? के मतलब 1/4 π ε₀ q1 q2 r² उत्तर देना r, कैसे आता है ये आप देखना। ठीक है, इसमें भी चार्ज को कैसे रखना होता है विद साइन, तो बहुत बार बोर्ड में ऐसे सवाल आए, दो लाइट चार्ज को मैं पास ले आया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है कि कम हुई है? दो लाइट चार्ज को मैं पास ले आया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है कि कम हुई है? मैं पास ले आया तो आर कम हो गया, आर कम हो गया तो यू ज्यादा नीचे आ रहा। अगला सवाल, मैं दो अनलाइट चार्जेस को पास ले आया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है कि कम? क्यों? फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव, उससे क्या होगा? विद साइन रखेंगे तो यू नेगेटिव होगा, और अपॉन में आ रहे हैं और आर कम हो रहे हैं तो नेगेटिव में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर किया जाता है विद साइन, तो अगर नेगेटिव में उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा? कम ही हुई। ऐसे कंपेरिजन वाले सवाल आते हैं। एक आपके बुक में ना सोल्ड एग्जाम्पल है, कुछ एरोज बना रखे हैं, देखो एक बार, कुछ एरोज बना रखे हैं ना आगे भी पहले, कुछ एरोज बना रखे हैं कि फील्ड इधर है, ये कौन सा एग्जाम्पल है? 2.3। हाँ ये करवा दिए, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है भाई, सोल्ड एग्जाम्पल अपने सारे देख लेना वहां तक, कहां तक जो आपका 2.8 टॉपिक जहां फिनिश होगा ना वहां तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर जहां स्टार्ट होता है उससे पहले पहले का। ठीक है, कोई डाउट हो अपने पूछना जरूर इसमें। अच्छा, मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले फिनिशिंग पार्ट पे था, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है, वो आपको डिराइव करनी आनी चाहिए 1/4 π ε₀ q1 q2 r। अगर यूं आ जाए दो चार्ज रखे लेकिन एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तो साथ में एक तो उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी होगी KQ1Q2/r, एक होगी Q1 का इंटरेक्शन फील्ड के साथ Q1 × V@r, एक होगा Q2 × V@r। करवाए हैं तीन तीन पार्ट, तो वो ढंग से लिखने आने चाहिए, बोर्ड में आ जाते हैं एज इट इज। फिर एक था तीन पार्टिकल का सिस्टम है और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो दो दो के पेयर बनाना सीखा है वो भी, कितने कोएफिशिएंट हैं वो आपके आपको डिसाइड करने चाहिए n × n-1/2। और अगर सिस्टम यूं आए कि सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो आप ईपी निकाल दो वही वर्क करना पड़ेगा। अगर सवाल आए कि सिस्टम को डिसमेंटल करना है मतलब तोड़ना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, ईपी निकाल के उसका नेगेटिव कर दो, ईपी निकाल के उसका नेगेटिव कर दो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक टॉपिक होगा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में, देखो इसमें होगा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड, वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। यू का फॉर्मूला निकल के आता है -P·E, मैंने आपको दो तरीके से करवाया होगा शायद, दोनों तरीकों से करवाया होगा, एक तो नॉर्मल वर्क वाला मेथड और एक किसी चार्ज के एक्सटर्नल फील्ड में लिखते हैं उस मेथड। ठीक है, अब हम कल रिविजन करके आए पूरा, देखो पूरा करके आना, ये मैंने आपको ये मौका दे दिया है, पेपर से पहले 45 मिनट कुछ पूछना चाहो पढ़ना चाहो तो वो पूछ सकते हो, मर्जी आपकी। लेकिन एक अब हम 20-20 नंबर के ही टेस्ट लेंगे बीच बीच में, जिस भी दिन टेस्ट होगा टाइमिंग वही हो जाएगा 6:15 से 8, लेकिन पहला टेस्ट अभी ये ले रहे, उसके बाद अगला टेस्ट होगा कैपेसिटेंस, फिर हम चलेंगे करंट की तरफ, बीच बीच में थोड़ा रिविजन लेना आप ले लिया करो उसको। ठीक है,
आगे कल मिलते हैं फिर शाम।